हेलो दोस्तों, आज अपन 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। देखो, इसके अंदर स्थिर वैद्युतिकी के अंदर वर्ड से ही मीनिंग निकल रहा है, स्थिर आवेश के कारण। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत विभव है, विद्युत बल है, उन सब का अध्ययन किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव व विद्युत बल का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो देखो, अपन डेफिनेशन लिख देते हैं इसकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव वे विद्युत बल का अध्ययन किया जाता है। तो ये होगी स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा। स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत बल का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। इसके बाद में आता है स्थिर आवेश होता है तो एक गतिशील भी आवेश होता है। तो स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, तो गतिशील आवेश के कारण से क्या क्या होगा उत्पन्न। तो आवेश, एक तो स्थिर आवेश हो गया, स्थिर आवेश दूसरा हो गया गतिशील आवेश। स्थिर आवेश के कारण ओनली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र वे चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले अपने स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पढ़ा, स्थिर वैद्युतिकी क्या है। स्थिर वैद्युतिकी पढ़ने के बाद में यहाँ से एक पॉइंट आया स्थिर आवेश, तो दूसरा पॉइंट ये भी आता है गतिशील आवेश भी होता है। तो स्थिर आवेश के कारण ओनली विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस होता है, विद्युत स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि गतिशील आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में आता है आवेशों के प्रकार, कि आवेश कितने प्रकार का होता है। आवेशों के प्रकार, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश। आवेशों के दो प्रकार होते हैं, पहला धनात्मक आवेश,
और ऋणात्मक आवेश। अब अपन पढ़ेंगे कि धनात्मक आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ऋणात्मक आवेश किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो धनात्मक आवेश कैसे उत्पन्न होगा और ऋणात्मक आवेश कैसे उत्पन्न होगा, इनके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी आवेश या धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, कोई भी परमाणु मेनली क्या माना जाता है, विद्युत क्षेत्र का उदासीन, विद्युतीय उदासीन माना जाता है। कोई भी परमाणु विद्युतीय उदासीन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके सेंटर में जो परमाणु होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन समान संख्या में उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन समान संख्या में उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उस कक्षाओं में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेके देखते हैं, सोडियम का मैंने परमाणु संरचना बनाई है, ये इसका नाभिक हो गया, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, फिर ये इसकी कक्षाएं आ जाएगी, कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वर्ताकार कक्षाओं के अंदर, ये सोडियम के परमाणु संरचना है। जैसे ही इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो धनावेश व ऋणावेश कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागना। यदि ये परमाणु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्यागना, इसमें से कक्षाओं में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है यदि ये परमाणु, तो धनावेश बनेगा, धनात्मक आवेश उपस्थित होगा, धनावेश बनेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो प्रोटॉन जो प्लस वाले है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये परमाणु क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश वाला हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो ऋणावेश हो जाएगा। यदि बाहर से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन कम हो जाएंगे, प्लस वाले कम हो जाएंगे, नेगेटिव वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो नेगेटिव वाले ज़्यादा होते हैं, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। और यदि इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हो रहे हैं, तो धनात्मक आवेश आ जाएगा। बात आती है इलेक्ट्रॉनों की, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है 9.1 × 10⁻³⁰ kg। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम आवेश होता है। अब हम पढ़ते हैं इसका कि कूलम जो इसका मात्रक आया है ये कहाँ से आया, तो आवेश वे आवेश का मात्रक वे विमा, मात्रक वे विमा। तो अपन ने 10th क्लास में सूत्र पढ़ा था, विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी थी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, I इक्वल टू क्यू बाई टी, आवेशों के प्रवाह की दर, ये आवेश है, ये टाइम टी है, कितने टाइम में पर सेकंड कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं वो विद्युत धारा होती है। यहाँ से विद्युत धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, तो लिखते हैं इसको करंट, विद्युत धारा सी से लिखते हैं लेकिन इसका मात्रक एम्पियर है। इधर कूलम जो अपने निकालना है, क्यू क्यू का मात्रक टाइम हो गया सेकेंड के अंदर, इसका मात्रक सेकेंड, तो क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, आई का करंट का मात्रक एम्पियर और टाइम का सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, इसको अपन बोलेंगे कूलम, एम्पियर इंटू सेकेंड का दूसरा नाम कूलम। ये तो हो गया इसका मात्रक। इसके बाद में आती है इसकी विमा, तो विमा भी फॉर्मूले से आती है, आई की विमा एम्पियर है, तो इसका ये भौतिक विज्ञान की जो मेन विमा होती है इसका आ जाएगा ए एम्पियर, और टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे तो ए इंटू टी यानी ए टी, इसकी डायमेंशन आ जाएगी, विमा आ जाएगी आवेश की। आवेश के अन्य भी मात्रक होते हैं, जैसे आवेश का छोटा मात्रक कौन सा हुआ, बड़ा मात्रक कौन सा हुआ, या आवेश को दूसरे क्वांटिटी के अंदर भी रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है। अन्य मात्रक 1 मिली कूलम, 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम। 1 मिली कूलम इसको अपने ओनली कूलम में चेंज करेंगे, 10⁻³ कूलम के अंदर चेंज हो जाएगा, माइक्रो होगा 10⁻⁶ कूलम, नैनो होगा 10⁻⁹। 1 एंगस्ट्रम में होता है 10⁻⁹ मीटर।